हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्वेश्चन है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंसी. ओके, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है फॉर एनी कंडक्टर. किसी कंडक्टर के लिए हमको पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें एट एनी टेम्परेचर टी, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर नॉट इन टू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी. ओके, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी कंडक्टर देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, दैट इज द रिलेशन. एंड दिस आर नॉट इज रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट. और यहाँ पर हम टी नॉट का वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस कंसिडर करके चलेंगे. ओके, तो यहाँ पर अगर हम पहले 2 ओम के लिए बात करते हैं, फॉर टू ओम रेजिस्टेंस, पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफ वायर मेजर्ड एज 2 ओम एंड 3 ओम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली. द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, दिस अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशियंट हमको फाइंड करना है ऑफ रेजिस्टेंस. दिस अल्फा वी हैव टू फाइंड. तो 2 ओम के लिए आर का वैल्यू 2 है, आर नॉट का वैल्यू हमको पता नहीं है. 1 प्लस अल्फा एंड डेल्टा टी, तो 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फाइनल टेम्परेचर 10 और इनिशियल टेम्परेचर 0. तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला, 2 इज इक्वल टू आर नॉट इन टू 1 प्लस 10 अल्फा. ओके, सेम एज इट इज अगर हम 3 ओम के लिए बात करेंगे, सेम डिक्टो हमको 3 ओम के लिए बात करना है. तो 3 इज इक्वल टू आर नॉट इन टू 1 प्लस अल्फा. अब ये है 30 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रेजिस्टेंस आर नॉट से 2 पहुंचा, और 0 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस आर नॉट से 3 ओम पर पहुंचा. तो यहाँ पर 3 ओम, आर नॉट 1 एंड इट इज 30 माइनस 0. ओके, सो दिस इक्वेशन विल बी 3 इज इक्वल टू आर नॉट इन टू 1 प्लस 30 अल्फा हो जाएगा. ओके, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो 2/3 इज इक्वल टू आर नॉट इन टू 1 प्लस अल्फा 10 अल्फा टी, 1 प्लस 10 अल्फा डिवाइडेड बाय आर नॉट इन टू 1 प्लस 30 अल्फा. तो यहाँ आर नॉट से आर नॉट तो कैंसिल हो गया, तो हमको आर नॉट कैलकुलेट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 30 अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 10 अल्फा. ओके, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 60 अल्फा एंड इट इज़ इक्वल टू 3 प्लस 30 अल्फा. ओके, तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 60 अल्फा माइनस 30 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज़ इक्वल टू 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 30 अल्फा इज इक्वल टू 1. सो अल्फा इज इक्वल टू 1/30 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. सो इट इज इक्वल टू 0.033 डिग्री सेल्सियस इनवर्स. ओके, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.